वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यानी कि जो ANM है या GNM है उन कैंडिडेट के लिए लेके आया हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार मेरे पास डिमांड आ रही थी ANM GNM के स्टूडेंट की कि सर हिंदी में वीडियो डालें, तो मैंने आज उन लोगों के लिए हिंदी में वीडियो डाला है और मैं इस वीडियो के अंदर यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन में जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन में देखते हैं। तो बात करें अपन एस्प्रिन औषधि निम्न कार्य करती है, यानी कि जो एस्प्रिन है आप क्वेश्चन में देख ले, एस्प्रिन औषधि निम्न कार्य करती है, यानी कि एस्प्रिन औषधि क्या कार्य करती है। एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट, ऑल ऑफ अबोव, यानी कि एस्प्रिन का क्या काम है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर क्या होगा इसमें, All of above। बात करें हम यहाँ पर यानी कि अपना जो आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा अपना All of above, क्योंकि एस्प्रिन क्या होती है, एक तो एनाल्जेसिक भी होती है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है और एंटी प्लेटलेट भी होती है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना All of above। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं अपन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियासिन की कमी से निम्न रोग की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो नियासिन है उसकी कमी से किस रोग की उत्पत्ति हो सकती है। प्लेग्रा, बेरीबेरी, एनीमिया, रिकेट्स, यानी कि आप ऑप्शन में देखिए और ऑप्शन में यानी कौन सा करेक्ट आंसर है। हम बात करें यहाँ पर नियासिन की, तो नियासिन की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करेंगे हम नियासिन की, तो नियासिन की जो कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि ऑप्शन के अंदर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना क्या रहेगा, प्लेग्रा, यानी कि नियासिन की कमी की वजह से प्लेग्रा जो प्रॉब्लम है यानी कि जो प्लेग्रा जो बीमारी है वो होती है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न औषधि नेफ्रोटॉक्सिक प्रभाव को उत्पन्न करती है, यानी कि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे जो ऑप्शन में है यानी कि इसमें से कौन सी औषधि नेफ्रोटॉक्सिक प्रभाव करती है। NSAID यानी कि इसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, NSAID का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। नेक्स्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड, एम्पिटोरिसिन बी, ऑल ऑफ अबोव, तो कौन सी औषधि प्रभाव को यानी कि नेफ्रोटॉक्सिक प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो यानी कि इसमें कौन सी औषधि नेफ्रोटॉक्सिक प्रभाव को उत्पन्न करती है, यानी कि साल ये सारी ही नेफ्रोटॉक्सिक प्रभाव को उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना क्या रहेगा इसमें, ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, NSAID के अंदर जैसे कि डाइक्लोफेनिक सोडियम है, अमाइनोग्लाइकोसाइड की बात करें अपन जैसे जेंटामाइसिन है, एम्पोटेरिसिन और ठीक है, तो ये सारी औषधियाँ क्या होती है नेफ्रोटॉक्सिक प्रभाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, मानव शरीर में कुल कितने वर्टेब्रा की संख्या होती है, यानी कि मानव शरीर के अंदर कितने वर्टेब्रा की संख्या होती है, तो कितने वर्टेब्रा की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 33। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अनेस्थीसिया के दौरान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि अनेस्थीसिया के दौरान प्रयुक्त नाइट्रोजन सिलेंडर का रंग कौन सा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा रंग होता है, तो इसका यहाँ पर ब्लू, ग्रे, ब्लैक, ऑरेंज, तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा रंग होता है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा अपना यहाँ पर, वो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर होगा ब्लू कलर, यानी कि जो एनेस्थीसिया सिलेंडर है, एनेस्थीसिया गैस के अंदर जो नाइट्रोजन गैस यूज में ली जाती है उसका जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्न एंडोक्राइन ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, आप ऑप्शन में देखिए ऊपर दिए गए यानी कि इनके इसके अंदर कौन सी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में थायरॉइड ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड और पेनक्रियाज। तो कौन सी ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होगा इसका? पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, यानी कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्या करती है? कंट्रोल करती है किसका? जो बॉडी के जितने भी हार्मोन्स वाली जो ग्लैंड होती है उसके ऊपर कंट्रोल करती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इसे अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। बात करें अपन विटामिन ए के टीकाकरण में प्रयुक्त डोज क्या होती है, यानी कि जो विटामिन ए का जब हम वैक्सीनेशन देते हैं या वैक्सीनेशन का मतलब यानी कि टीकाकरण, तो उसकी डोज कितनी होती है? 5000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1000 इंटरनेशनल यूनिट, 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पर बात करें अपन विटामिन ए टीकाकरण, यानी कि ये प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम की बात करें अपन यहाँ पर, प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, तो उसमें जो दे रहे हैं अपन वो कितनी होती है? तो यहाँ पर बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना यहाँ पर 1 लाख होती है इनिशियल में, स्टार्टिंग में। जब मीजल्स की डोज होती है तो मीजल्स के साथ में 9 मंथ पर जब दिया जाता है तो उस टाइम पे 2 लाख यूनिट दिया जाता है। इसके बाद में हर 6 मंथ पर 1 लाख यूनिट दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। एक बार दिल्ली एम्स में पूछा था कि मीजल्स, जो मीजल्स का वैक्सीन है उसके लगाने से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार एग्जाम में। तो विटामिन जो कमी होती है मीजल के वैक्सीन को लगाने के बाद में वो होती है विटामिन ए की। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि इसका आंसर अपना ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, MMR वैक्सीन किस प्रकार का वैक्सीन है, यानी कि जो MMR वैक्सीन है वो किस प्रकार का वैक्सीन है? किल्ड वायरल वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, लाइव वायरल वैक्सीन, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। तो किस प्रकार का वैक्सीन है? MMR, यहाँ पर बात करें हम किसकी बात करें अपन, MMR की, यानी कि मीजल्स मम्स रूबेला वाला वैक्सीन की बात करें अपन। तो ये है, ये जो वैक्सीन है ये है कौन सा है, लाइव वायरल वैक्सीन। जो मीजल्स मम्स रूबेला का वैक्सीन है वो लाइव वायरल वैक्सीन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर में ऑक्सीजन रक्त हार्ट में निम्न चैम्बर में प्रवेश करता है। ऑक्सीजन रक्त, यहाँ पर बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें अपन यहाँ पर, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, ऑक्सीजनेटेड बात किया है किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात किया है। ये किस चैम्बर में प्रवेश करता है, तो हार्ट के कौन से चैम्बर में प्रवेश करता है? देखो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ कि जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट में इधर कितने चैम्बर होते हैं, यहाँ पर राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर जो राइट राइट क्या है अपना, जो राइट एट्रियम है, यहाँ से ब्लड कहाँ पर जाता है, यहाँ लंग्स में जाता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर किस में आता है अपना, लेफ्ट एट्रियम में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम।